ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक शीट स्टार्ट की थी। इस शीट में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टिंग वायर में ये शीट है। इसके अंदर हमने क्वेश्चंस ये दो तीन क्वेश्चंस किए थे और हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। इस क्वेश्चन के अंदर लेट अस सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है। करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है, तो करंट ऊपर से नीचे गया। आपको रेशियो निकालनी है क्योंकि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। आपको बताना है कि पी क्यू लेंथ, ध्यान आगे, पी क्यू लेंथ और क्यू आर लेंथ पे फोर्स की रेशियो क्या है। तो पी क्यू लेंथ के केस में हम क्या करेंगे, पी आई एल, एल की जगह पी क्यू, साइन ऑफ 90, तो एक फोर्स तो आ गई। फिर क्या करेंगे, फिर क्यू आर के ऊपर। अब क्यू आर में करंट क्योंकि क्यू से लेके आर तक है तो लेंथ भी क्यू से लेके आर तक है, तो बी वेक्टर और लेंथ वेक्टर में एंगल क्या होगा, 45। तो बी आई लेंथ की जगह क्यू आर, साइन ऑफ कितना, लेंथ और बी में एंगल कितना है, 45। ये स्टेप क्लियर है। अब एक और काम करना है, एक ट्राइंगल यहां फॉर्मुलेट कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस 45 किसके इक्वल है, कॉस 45 इज पी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये रहा cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो यहां से PQ is equal QR divided by root 2, तो आप sin 45 1/√2 होता है, QR by root 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, PQ। तो पहली वायर की फोर्स BIPQ, दूसरी वायर की फोर्स BIPQ, दोनों की फोर्स बराबर, तो रेशियो 1:1। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो थोड़ी ज्योमेट्री लगा के दोनों की फोर्स हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, बराबर फोर्स लगेगी। मैं क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी सी, तो करंट ए से स्टार्ट होगा और सी तक एंटर करता है। आपको नेट फोर्स बतानी है ए बी सी पे क्या होगी। करने के दो तरीके हैं, आप दो वायर्स पे अलग अलग फोर्स निकालो, फिर पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स निकालो। उससे बेटर है आप डिस्प्लेसमेंट ले लो। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगी, ए सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बी आई एल साइन 90 और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, 5 सेंटीमीटर। सी आई नेट फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, बोर्ड के बाहर। करंट एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स बतानी है कैसे लगेगी। अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूं जिसके अंदर करंट इस तरीके से घूमते हुए ऊपर जा रहा है, मान लो इस एलिमेंट में करंट ऊपर जा रहा है, तो बी कैसे है इसमें, बाहर। करंट कैसे है इसमें, अप अप, तो फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ बाहर, यहां। अगर मैं एलिमेंट ये लेता हूं, बी ऐसे है, करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे। आप एक एक एलिमेंट लेके आप फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, फोर्स आउटवर्ड लगेगी, तो ये आउटवर्ड फोर्स होगी। ये आपको बताना है फोर्स का वेक्टर कहां बनेगा, ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, बी इसमें ना बोर्ड के अंदर ना बाहर, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, देखो आउटवर्ड है, तो आपको बताना है फोर्स कहां लगेगी। तो मान लो ये ले लेते हैं पहले, बी कहां पर है, इस तरफ है, करंट कहां पर है, ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगी, इनसाइड। यहां ले लेते हैं, करंट कहां पर है, इस तरफ है, बी कैसे है, नीचे, बी नीचे, करंट इस तरफ, फोर्स कहां लगेगी, इनसाइड। तो जहां मर्जी लगा के देख लो, फोर्स हमेशा इनसाइड। तो आपको फ्लेमिंग का रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शंस को बताना है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यह गिवन है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में, और आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, आधे रीजन में 2B0 है, तो मतलब आधे में कम है आधे में ज्यादा है। नेट फोर्स बतानी है पूरे लूप में क्या लगेगी। अगर एक जैसा फील्ड होता ना तो मैं सीधी डिस्प्लेसमेंट ले लेता 2R, बस में दो दो फील्ड है, इधर बी है इधर 2B है। एक काम करते हैं, ये वायर अलग लेते हैं, ये वायर अलग लेते हैं, तो ये जो वायर है ये आर है, ये आर है, तो ये √2R है, तो करंट क्योंकि इसमें ऐसे जा रहा है, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में करंट भी ऐसे लेंगे,
तो इसमें फोर्स क्या लगेगी, बी आई लेंथ की जगह रूट टू आर, और उसी तरीके से इसमें करंट नीचे उतर रहा है तो करंट इसमें ऐसे जाएगा, तो क्या आएगा, बी आई लेंथ की जगह रूट टू आर, बी की जगह टू बी, क्योंकि लेफ्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी है, राइट रीजन में टू बी है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? डायरेक्शन में बी इनसाइड है, करंट इस तरफ है, फोर्स ऊपर, इसमें बी इनसाइड है, करंट नीचे, नीचे बना लो यहां क्योंकि करंट नीचे उतर रहा है, तो इसमें राइट नीचे आएगा, बी करंट और फोर्स ऊपर, तो एफ वन एफ टू दोनों वेक्टर मिलाएंगे तो 90 डिग्री पे आएगा। पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, तो पुट करना आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? एक वायर है, एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है और करंट i है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, अदर करंट भी i नहीं है, आपको इसमें ये गिवन है अमाउंट ऑफ चार्ज q पासेस थ्रू द रॉड, तो रॉड में से मैंने q चार्ज को पास कर दिया। q चार्ज को पास करने का मतलब कि मैंने रॉड में करंट को पास किया, तो करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो पहले रेस्ट पे पड़ी हुई थी, जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो चलेगी, जैसी चली तो आपको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी चलने की। तो सबसे पहली चीज, फॉर एन इंस्टेंट हमने इसमें चार्ज पास किया, करंट पास किया, फॉर एन इंस्टेंट, बहुत छोटे टाइम के लिए इसमें फोर्स लगी, और कितनी फोर्स लगी, बी आई एल लगी। अब जब फोर्स छोटे टाइम के लिए लगती है तो हम, ये जो एप्लीकेशन है इम्पल्स की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। तो फोर्स डी टी टाइम के लिए लगी तो इम्पल्स क्या आ गया, एफ डी टी। टोटल इंपल्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे, बी और एल बाहर आ गया, आई डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या होता है, क्यू। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू क्या होगा, आई डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इसकी जगह क्यू, ये मेरे पास इंपल्स आ गया। प्लस वन के अंदर एक थ्योरम की थी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो ये बताती है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इज टोटल इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इस रॉड का क्या था, जीरो, और जैसी वेलोसिटी वी एक्वायर की तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, एम वी माइनस जीरो। इंपल्स हमारे पास है, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस जीरो इज एम वी, या से वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो कभी भी फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट फोर्स लगेगी तो इंपल्स, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम का टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है यहां तक? ठीक, ये तीन वायर्स हैं इक्वल रेजिस्टेंस की, करंट ऊपर भी नीचे भी तीनों में सेम है, नेट फोर्स निकालनी है। तो जब मैं फोर्स यहां निकालूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो नीचे वाली वायर की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, सी डी, तो फोर्स क्या लगेगी, बी आई इंटू लेंथ की जगह सी डी। इस वायर के लिए भी बी आई इंटू सी डी, इस वायर की भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सी डी, तो बी आई इंटू सी डी, तो थ्री टाइम्स बी आई इंटू सी डी आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जैसे कि ये रही, इसके सामने एक और वायर पड़ी है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या ये वायर इस पे फोर्स लगाएगी, तो आंसर था फोर्स तो लगेगी, तो फिर टॉर्क भी लगेगा, यहाँ फोर्स ज्यादा थी, कम 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 मैंने बताया था, क्योंकि बी यहाँ पर ज्यादा होगा और कम होता जाएगा तो फोर्स भी यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर कम। इसमें पूछा टोटल फोर्स की वैल्यू बताओ क्या लगेगी, तो इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि बी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, एक्स डिस्टेंस पे बी क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट डी एक्स ले लेते हैं, लेंथ स्मॉल लेते हैं डी एक्स, तो यहाँ पर बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय फोर बाय टू आई बाय एक्स, तो इस लेंथ डी एक्स पे स्मॉल फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू बी आई इंटू लेंथ की जगह डी एक्स, बी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं म्यू नॉट बाय फोर बाय टू आई बाय एक्स, तो ये क्या आ गया, स्मॉल फोर्स की वैल्यू आ गई डीएफ, डीएफ आ गया। ठीक, तो बी की वैल्यू पुट करके एक्स की टर्म में डी एक्स लेंथ पे स्मॉल फोर्स की वैल्यू आ गई। टोटल फोर्स निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन, तो पहला एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू पे मिलेगा, और आखिरी कहां पर मिलेगा, a प्लस ए बाई टू यानी कि 3 a बाई टू, तो लिमिट चेक करो कहां से कहां लगेगी, a बाई टू से लेके 3 a बाई टू, 1 बाई x की इंटीग्रेशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी log x,
लॉग एक्स की लिमिट पुट करेंगे ए बाई टू से लेके थ्री ए बाई टू, तो ये आंसर आएगा। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक वायर है, ये वायर में करंट इस तरीके से जा रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी वेक्टर माइनस फोर के कैप, पैराबोला की फॉर्म में है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, नेट फोर्स बतानी है क्या लगेगी, तो हम क्या लेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट नीचे लें या ऊपर लें वो करंट डिसाइड करेगा, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे, अगर करंट ऊपर जा रहा होता तो ये लेते। तो इसमें ये डिस्टेंस टू है, ये डिस्टेंस टू है, तो टोटल लेंथ कितनी है फोर, फोर के पीछे कैप लगाना हो तो क्या लगेगा माइनस जे कैप, क्योंकि फोर्स क्या होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, आपको आई पता है, एल वेक्टर की जगह फोर माइनस जे कैप, और बी वेक्टर आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सीधा वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये पूरी शीट में वो आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कुछ एडवांस में, कुछ मेंस में और कुछ नीट में, ये पुराने पेपर्स में आपको मिलेंगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, एक आइडिया हो गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद एक और शीट थी, शीट नंबर 71, मैंने कहा था एक बार ट्राई करना, कितने लोगों ने वैसे ट्राई की ओके। मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो अपलोड की है, ये शीट देखो ऑप्शनल आपके ट्राई करने की पर्पस के लिए है, सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए जा सकते, इतने क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा, तो आपकी ट्राई करने के पर्पस के लिए आपको एक काम करना है, इस शीट की पूरी डिस्कशन उस 50 मिनट के वीडियो में जितने मिनट का है उसमें की हुई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप प्लीज घर जाके उस वीडियो को आपने सुनना है, तो इंटरेस्टेड होंगे सुन लेंगे, जो नहीं होंगे तो मर्जी है, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, पर रिकमेंडेड है इसको कर लेना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। तो वो एक लेक्चर आपको वहीं पे देखना और प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई डाउट है फिर उसको डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक। तो अभी नहीं क्लास में करेंगे, आज काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास गैल्वेनोमीटर का, ठीक। तो आप ओपन करो बुकलेट, पेज नंबर 103